तो इनका प्रश्न है कि शादी कब होगी। ओके, तो अब देखेंगे यहां पे सेवंथ कस्पल सब लोग को मरकरी, मर्करी ऑक्युपेंट इन द 11th इन द कस्पल चार्ट, ऑक्युपेंट इन द 11th इन द कस्पल चार्ट। एंड द लॉर्ड ऑफ द एट, बट एट हाउस अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, केतु ऑक्युपेंट इन द एट हाउस। मर्करी ऑक्युपेंट इन द 11th हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस, बट 8th हाउस इज द वीक बिकॉज जुपिटर एंड केतु ऑक्युपेंट इन द 8th हाउस, तो उसे छोड़ देंगे अभी। ठीक है, मार्स ऑक्युपेंट इन द 7th हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ द 6th, यस, मर्करी इज इन द सब ऑफ वीनस, बट वीनस इज टेनेंटेड बिकॉज सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ वीनस। ओके, नाउ वी विल चेक वीनस, वीनस टेनेंटेड, नाउ वी विल चेक द स्टार ऑफ द वीनस, वीनस इज इन द मार्स स्टार, हाँ यस, स्टार ऑफ सब मार्स, ओके, मार्स इन द 7th एंड द लॉर्ड ऑफ द 6th हुआ है। ठीक है जी, वीनस नहीं लेंगे क्योंकि वीनस टेनेंट है, सैटर्न इज तो वीनस, अब आपने स्टार का रिजल्ट देगा, वीनस इज इन द मार्स, मार्स ऑक्युपेंट इन द 7th एंड द लॉर्ड ऑफ द 6th, यस। नाउ वी राशि चार्ट, अभी राशि चार्ट में देखिए, मून एस्पेक्ट द मार्स, यस, सो मून प्लेस इन द 12th हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ द 9th, एंड मार्स इन द राशि चार्ट, मार्स सैटर्न, सेवंथ हाउस एंड एस्पेक्ट द 8th सैटर्न, तो शनि को देख रहा है, मंगल जो है वो शनि को भी देख रहा है एट एस्पेक्ट से, राशि चार्ट, राशि चार्ट में देख, सैटर्न प्लेस्ड इन द 2nd हाउस, थर्ड एंड द लॉर्ड ऑफ द 3rd एंड 4th, हम बोलेंगे कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाई
6, 7, 11 and connected with मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो मरकरी है खुद 11th हाउस में है, मार्स 7th हाउस में है और 6th हाउस का लॉर्ड है, 6, 7, 11 एंड अपने सब लॉर्ड के थ्रू किन भाव को थोड़ा 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 मतलब मरकरी जो है प्लेनेट लेवल पे और स्टार लेवल पे हमें 6 और 11 दे रहा है, अब सब लेवल पे वो 2 दे रहा है 7 भी दे रहा है, तो शादी तो ये करवाएगा। हाँ शादी 7th कसम पर सबने बता दिया कि शादी होगी, वो तो आगे नशा मुक्ति देखते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज कंफर्म कर लीजिए, नेगेशन नहीं होगा, नेगेशन ऐसे नेगेशन नहीं होगा, क्योंकि इसको छुपा दीजिए ना, वो प्लैनेट और स्टार जो है 6, 7, 11 दे रहे हैं और सब लेवल भी दोबारा से हमें 6 की प्लेसमेंट 7th में है, लॉर्डशिप 6 में है, तो 7th हाउस का तो मिलते रहेगा, क्योंकि जो अपना प्लेसमेंट होती है वो लॉर्डशिप से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। किसी भी प्लेनेट की जो प्लेसमेंट है ना, वो उसके जो जिस भाव का स्वामी होगा उससे ज्यादा, जहां उसकी प्लेसमेंट है उसका भाव, उसका रिजल्ट वो ज्यादा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब शादी होगी। लेकिन अब देखिए, मरकरी एक ड्यूल प्लेनेट है, ठीक है जी, या तो यहां पे मरकरी खुद जा रहा है, या यदि यहां पे मरकरी ना होता, मान लेते कि आप यहां पे सैटर्न होता और सैटर्न मरकरी के स्टार में होता तब भी बात एक ही थी, या जुपिटर के स्टार में होता या यहां पे तब भी बात एक ही थी, या स्टार लेवल पे जो मार्स आया, स्टार लेवल पे मार्स आया यहां पे, जैसे कि मार्स आया, ये बेसिकली इसकी युति जो है बुध के साथ होती या गुरु के साथ होती, या बुध या गुरु की राशियों में होता, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये हुई कि प्लैनेट लेवल पे 6 है, सब लेवल पे हमारे पास 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, मतलब इस बंदे का डिवोर्स हो गई होगा, ये कन्फर्म है, शादी भी होगी और शादी के बाद डिवोर्स भी, ठीक है ना। शादी होगी और यह भी पता चला गया कि मल्टीपल शादी है इसकी। अब बात करते हैं दशा भुक्ति की, शादी हो दशा की, वीनस की दशा चल रही है, वीनस, वीनस की दशा चलेगी 2078 का। अब वीनस देखिए, वीनस जो है वो मंगल के स्टार में है, केतु के सब में है, वीनस जो है वो 11th हाउस में है और वीनस की दो राशियां हैं, एक 7th हाउस में, एक 12th हाउस में, लेकिन दोनों में प्लैनेट बैठे हुए हैं, दोनों वीक हो गए, ठीक है। अब वीनस जो है वो मंगल के स्टार में है, मंगल हमने देख लिया 7th, अब सब केतु, अब केतु को देखिए, केतु इस चार्ट में अनप्लेनेटेड है, कोई भी प्लेनेट केतु के स्टार में नहीं है, ओके। केतु चलित में, चलित भाव में केतु एक हाउस में चला गया, और वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बना, ऊपर भाव, जो भाव डिटेल है वहां देखेंगे, केतु जो है फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बना,
अंत में करोगे, ठीक। अब राशि चार्ट में वो किसके साथ है, वो गुरु के साथ है, ठीक है, और गुरु भी इस चार्ट में अनटेनेंटेड है। अब गुरु जो है कस्पल चार्ट में वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और अनटेनेंटेड होने की वजह से वो पांच और नाइन्थ हाउस का भी कस्पल सब लॉर्ड बना। ओके, क्योंकि यहां पे सब लेवल पे केतु आ गए, अनटेनेंटेड है, ठीक है, तो यहां पे हमने उसकी ज्योति जिस प्लेनेट के साथ थी उसको ले लिया। मैं अपनी जो थ्योरी यूज कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं आपको, मैंने इससे क्या होगा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, आप किन किन हाउसेस को लेंगे किन को छोड़ेंगे। आप वही उठाइए प्लेनेट, वही चीज उठाइए जो बिल्कुल स्ट्रांगली अपना रिजल्ट देगी, ऐसे किन कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। ऐसे तो राहुल बारह बारह हाउसेस दे देगा, ठीक है ना। हमें वो हाउस उठाना है, हमें वो फार्मूला यूज करना है जो प्लैनेट स्ट्रॉन्गली रिजल्ट देने में सक्षम है। तो यहां पे केतु गुरु के साथ है और गुरु एट हाउस, फाइव हाउस का लॉर्ड, फाइव और नाइन का कस्पल सब लॉर्ड बना। तो अब यहां पे हमारे पास क्या कहेंगे कि वीनस क्या दे रहा है हमें, वीनस प्लैनेट लेवल पे इलेवन सेवन, यहां पे सिक्स आ रहा था, यहां पे फर्स्ट आ रहा था जो कि सेकंड के ट्वेल्व होता है, लेकिन एट और नाइन जो है ये स्पोर्टिंग हाउस है शादी के। और दूसरी बात, अब फाइव जो सब लेवल पे आया वो स्टार लेवल पे जो सिक्स आ रहा है इसको निगेशन करेगा,